हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं लेकर आए आप लोगों के लिए एकदम अलग रेसिपी। तो सबके घरों में ये बेर, सूखे बेर उपलब्ध होंगे और ये गर्मी के सीजन बहुत अच्छे से खाए जाते हैं, कई तरीक़ों से खाए जाते हैं। तो हम लेकर आए आज नई रेसिपी। इनको मैंने पानी में धोकर सुखा लिया था और कुटनी से कूट करके मिक्सी में पाउडर बना लिया था। तो देखिए अब इनका पाउडर बना लिए हैं। तो देखिए इतना बारीक पाउडर जिसको हमने आटे वाली छन्नी से छान लिया था, गुड़ लिया, सौंफ और जीरा और काला नमक। तो चलिए बनाते हैं हम इसके गटागट, जो बच्चे बड़े सब बहुत ही हेल्दी टेस्टी खाएंगे, इंजॉय भी करेंगे। जो मार्केट में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, 10 रुपए के 4 2 मिलते हैं। देखिए यहाँ मैंने गुड़ को पिघला लिया था, उसमें मैंने सौंफ, काला नमक और ये भुना हुआ जीरा डाल देंगे। अब यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे एक उबालने पर। और जो हमने यहाँ पर चूड़ बनाया था, बरचून बोलते हैं जिसको, गुजरात में इसको बोर बोलते हैं, अब हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। सच में बहुत ही मतलब खाने बहुत ही गोल गप्पे भी गाँव में बोलते हैं, गट्टे भी बोलते हैं। हम यह तो बोलते हैं कि हम आज बना रहे हैं बेर के लड्डू, तो सच में बहुत ही टेस्टी है और बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों के सबसे पसंद वाली चीज़ होती हैं। देखिए हमने सबको मिला लिया और थोड़ा सा और भी टेस्टी बनाने के लिए तो 1 स्पून हम डाल दिए घी और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम के अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको साइज़ चाहिए वैसे हम लड्डू बना ले रहे हैं, छोटे बड़े आपको जैसा पसंद हो। तो हम यहाँ छोटे छोटे एकदम बॉल बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस अभी हम और भी थोड़ा टेस्टी करने के लिए, देखिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और हम सारे ऐसे बॉल बना रहे हैं, गटा गट बोलते हैं इसको, गट्टे भी बोलते हैं, जो आप अपना नाम अपने क्षेत्र में आपके जहाँ मतलब जो पसंद हो। हमारे यहाँ चित्रकूट में सबरी बेर जो मतलब नाम जो सुना होगा आपने कि राम जी ने सबरी बेर जूठे खाए हुए, तो वही ये बेर है। और चित्रकूट में यहाँ स्फटिक शिला है, वहाँ पे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और वहाँ पे ये जो नमक होता है, यहाँ पे व्रत व नमक मिलाकर ये लड्डू बनाए जाते हैं और वहाँ पे ये प्रसाद के रूप में, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका व्यवसाय भी अच्छा बन जाता है और इसको लोग पसंद भी बहुत करते हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, हमारे चित्रकूट ज़िले में आइए और इस प्रसाद को ज़रूर खाइएगा। तो हम आप लिख ले आए हैं राम के सबरी जो बेर हैं, जूठे बेर, उन्हीं की रेसिपी हम आज इस तरीके से लेकर आए हैं। तो हमने यहाँ चीनी के पाउडर उसमें लपेट करके और भी टेस्टी, और इसको आप कई महीनों तक भी रख सकते हैं। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को वॉच करिए, फुल वॉच करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।